हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860, जिसका ये चौथा पार्ट होगा और ये लास्ट पार्ट होगा। दोस्तों, हमने इसके पहले तीन पार्ट कवर कर दिया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए, और ये पार्ट आपका लास्ट होगा और इसमें सारा कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पे दोस्तों दिख रहा होगा धारा 300, जिसमें रखा गया है हत्या या क्रूरता से मानव वध। कैसे याद रखना है, देखिए ध्यान से, हत्या या फिर क्रूरता से किसी मानव का आप हत्या कर देते हैं तो आप बाद में बहुत पछताते हैं, मिस करते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्या करते हो, मिस करते हो। कब? जब मानव को आप क्रूरता से उसका वध कर देते हो। मानव को क्रूरता से क्या करते हो, वध कर देते हो, तो बाद में आप क्या करते हो, बहुत मिस करते हो, लगता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। बस आपका आंसर आ गया। जैसे एग्जाम में आता है, हत्या या क्रूरता से मानव का वध करने के बाद लोग करते क्या है, मिस करते हैं। बस आपका आंसर आ गया। देखिए ध्यान से, एम का कोड दोस्तों 3 होगा, आई का नहीं होगा, एस का 0, एस का 0, डायरेक्टली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 300। क्या आ जाएगा, 300। तो आपका यहां से दूसरा नंबर दिख रहा है 302। 302 में क्या दोस्तों, हत्या के लिए दंड, जिसमें हम लोग सजा है आजीवन कारावास है, जिसमें न्यूनतम है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। हत्या के लिए दंड कैसे याद रखोगे, देखिए ध्यान से, कि हत्या के लिए दंड दिलवाना मेरा मिशन था। कोई वकील अगर कोई केस को लड़ रहा है तो वो क्या बोलते हैं, वो यही बोल रहे हैं ना, हत्या के लिए दंड दिलाना हमारा मिशन था। या फिर आप पुलिस बन जाते हो, इंस्पेक्टर बन जाते हो, तो आप क्या चाहोगे, ये चाहोगे कि हत्या अगर किसी ने किया है तो उसे हमें क्या करना है, उसको हमें क्या करना है, सजा दिलाना है, दंड दिलाना है उसका, आपका उसके उसके लिए आपका क्या रहेगा, मिशन रहेगा। ये आपका क्या है, मिशन। तो हत्या के लिए दंड आपका मिशन रहता है, क्या रहता है, मिशन। एम का कोड होगा, आई का नहीं होगा, एस का 0 होगा, S का 0 होगा, I का नहीं होगा, O का नहीं होगा, N का 2 होगा। तो देखिए दोस्तों, जब डबल S यहाँ पे आ गया, इस केस में अगर मैं दोनों S को कंसीडर करूँगा तो M का 0, S का 0, S का 0, N का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3002, इतना तो बड़ा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो डबल S लिखा हूँ, इसको सिंगल कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, सिंगल। आपको पता है जब डबल डिजिट आ जाता है तो उसको सिंगल लिखते हैं। तो M का कोड क्या होगा, 3 होगा, S का 0 होगा, N का क्या होगा, 2 होगा। तो आपका आंसर आ गया 302। क्या आ गया, 302। 302 में दोस्तों क्या किया गया, हत्या के लिए दंड, मतलब इसमें रखा गया सजा क्या रखा गया, आजीवन कारावास न्यूनतम। अगला देखिए ध्यान से, धारा 304, जिसमें बी मतलब क्या, अमेंडमेंट करके इसको लाया गया। क्या लाया गया, अमेंडमेंट करके। 304 कैसे याद रखोगे, दहेज से मृत्यु की सजा। देखिए ये जब ये कौन लेकर आया था, एक्चुअली अंग्रेज लेकर आए थे, जिसका नाम क्या था, मैकाले। तो मैकाले ने उस समय जब आए थे तो उसमें क्या था, दहेज वगैरह नहीं चलता था, तो उस समय दहेज का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आजाद हो गए तो हमारे यहाँ पे क्या होने लगा, दहेज का भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए उसको 304 में अमेंडमेंट करके इसको लाया गया, ऐड किया गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बी लिखा है। आगे देखिए ध्यान से, इसमें क्या रखा गया है, दहेज मृत्यु। अगर आप किसी का दहेज देखते हो आज के डेट में, क्या देखते होगे कि कहीं पे न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो तो आपको देखने को क्या मिलता है कि दहेज से जो मृत्यु हो रहा है वो मशहूर हो चुका है। पूरा भारत में दहेज से जो मृत्यु हो रहा है वो मशहूर है, जहां भी देखो वहां पे क्या हो रहा है, दहेज के वजह से उसको मार दिया गया, ठीक है। तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, दहेज से मृत्यु आजकल क्या है, मशहूर हो चुका है। देखिए ध्यान से, M का कोड होगा, A का नहीं होगा, S का होगा, U का नहीं होगा, R का होगा। M का दोस्तों 3 होता है, S का 0 होगा, R का 4। तो आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 304। क्या हो जाएगा, 304B। क्या हो जाएगा, 304B। आगे देखिए ध्यान से, 306 में क्या दिया है, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण, मतलब उकसाना। किसी भी आदमी को क्या कर रहे हो, आप उकसा रहे हो। तो अगर आप किसी को उकसा रहे हो तो कैसे उकसाओगे, अगर मान लो कोई दोस्त है, ठीक है, उसे मैसेज कर दिए क्या कि यार तुम कैसा गंदा गंदा काम कर रहा है, या फिर क्या तुम कर रहा है, इससे अच्छा तुम मर जाता, वही ज़्यादा अच्छा है। अब बहुत लोगों का वैसी वैसी बात आने लगेगा तो वो लास्ट में क्या करेगा, सुसाइड वगैरह कुछ कर लेगा, ठीक है। तो आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण मतलब उकसाना, किसी को आप उकसा रहे हो, अगर कुछ गलत कर दिया तो बोले यार तू कितना गंदा इंसान है, ऐसा गलती कर दिया, ये तो कोई नहीं करता, तुम यूनिक आदमी है जो तुम गलती किया, तो वो अंदर से क्या होगा, वो मतलब आत्महत्या की ओर बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो किसी को उकसाना, दुष्प्रेरण करना, तो ये कैसे करते हैं आज के डेट में लोग, कैसे करते हैं, मैसेज करके। कैसे करते हैं, मैसेज करते हैं, बस हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया, देखिए ध्यान से, कि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण, उकसाना, कैसे उकसाते हैं लोग, मैसेज कर देते हैं, ठीक है। बस आपका आंसर आ गया। एम का कोड होगा, ई का नहीं होगा, डबल एस है दोस्तों, तो एक सिंगल को लिखेंगे, एस का 0, ए का नहीं होता, जी का होगा, ई का नहीं। तो देखो दोस्तों, एम का 3 होगा, एस का 0 होगा, जी का 6 होगा। तो आपका क्लियर हो गया 306। क्या हो जाएगा, 306 में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण या उकसाना, ठीक है। जैसे आप चलते चलते याद हो गया ना आपका कि अच्छा
मैसेज से आजकल लोग क्या करते हैं, उकसाते हैं। किस चीज़ के लिए? आत्महत्या के लिए। आत्महत्या के लिए लोग क्या करते हैं, मैसेज से उकसाते हैं। ठीक है, आपका आगे देखिए ध्यान से, हत्या का प्रयास कितना आसान है। देखिए ध्यान से, हत्या का प्रयास आजकल लोग कैसे करते हैं, मास्क पहन के, मास्क पहन लेते हैं फेस पे और क्या करते हैं, हत्या का प्रयास करते हैं। बस आपका आंसर आ गया। जैसे एग्जाम में आता है कि हत्या का प्रयास किस धारा में रखा गया है, तो हत्या का प्रयास लोग कैसे करते हैं, मास्क पहन के। कैसे करते हैं, मास्क पहन के। बस आपका आंसर आ गया। देखिए ध्यान से, एम का दोस्तों, एम का कितना, 3 होगा, ए का नहीं होगा, एस का 0 होगा, के का 7 होगा। तो आपका आंसर क्लियर हो गया, 307। 307 में क्या रखा गया, हत्या का प्रयास। ठीक है, तो इस तरह से आपका बहुत आसानी तरीके से याद हो गया। कोई भी वर्ड पकड़ के देखिए, जैसे आगे एग्जाम में हत्या का प्रयास, अच्छा मास्क पहन के लोग हत्या करते हैं, बस आंसर आ गया। तो निमोनिक का यही बेनिफिट है, आप निमोनिक से ये सारा चीज़ आपको टिप्स पे याद रहेगा। बट अगर आप नॉर्मली इसको रट्टा मार लेते हो तो क्या पता आप कन्फ्यूज करोगे, उसका था कि इसका था, कैसे हुआ था, नहीं कन्फ्यूज करोगे। लेकिन डायरेक्टली अगर आप निमोनिक से कर लोगे तो डायरेक्टली याद रहेगा। अगर निमोनिक में कन्फ्यूजन है और ये सारा चीज़ आपको याद हो रहा है, तो निमोनिक का आपका इधर से रखा गया है, आपको डायरेक्टली ये निमोनिक को थोड़ा सा याद रखना है। बहुत ही आसान है, आप करते करते रोज याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर लोगे तो आपका ये सारा चीज़ कवर हो जाएगा, जिसमें आर्टिकल इंपॉर्टेंट है सारा कवर क्यों मैं उसी से। तो इसको अगर आप कर लेते हो तो ये सारा चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपको लगता है कि इसको भी मुझे याद करने का कोई तरीका है, तो आप डायरेक्टली लिखो क्या, निमोनिक याद करने का तरीका बाय इजी ट्रिक्स। आपको डायरेक्टली वीडियो मिल जाएगा, वहाँ भी डिटेल बता दिया हूँ। आगे देखिए ध्यान से, धारा 309 में क्या है दोस्तों, आत्महत्या का प्रयास, सजा 1 वर्ष है, जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, देखिए ध्यान से, कोई भी आदमी अगर आत्महत्या का प्रयास करता है, ठीक है, तो उसको भी सजा मिलेगा। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, पहले ये देख लो कि इसको कैसे याद रखना है। आत्महत्या का प्रयास आजकल कौन ज़्यादा कर रहे हैं बताओ, किसान। कौन कर रहे हैं, किसान। किस लिए कर रहे हैं, MSP के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी देखते हो कि दिल्ली में बहुत सारा क्या कर रहे हैं, वहाँ पे मतलब अड़े हुए हैं, तो वो किसके लिए है, MSP के लिए। बस आपका आंसर क्लियर हो गया कि MSP के वजह से ही आत्महत्या का प्रयास लोग करते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं लोग, किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो बस आपका आंसर हो गया कि आत्महत्या का प्रयास किसान लोग कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं भाई साहब, MSP के लिए। किसके लिए, MSP के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हैं। ठीक है, बस आपका आंसर आ गया, MSP। एम का दोस्तों 3, एस का 0, पी का 9। बस आपका क्लियर हो गया, 309 में क्या है, आत्महत्या का प्रयास। इसी धारा 309 के धारा में ही ये ऐसा एक प्रावधान है कि देखिए ध्यान से कितना इंटरेस्टिंग है, आत्महत्या का प्रयास। अगर आत्महत्या का आपने प्रयास किया, तो देखिए कोई भी चीज़ क्या होता है कि कोई घटना घटने के बाद आपको पे वो धारा लगाया जाएगा, लेकिन ये पहला और ऐसा है कि घटना घटने के बाद ये नहीं लगाया जा सकता। किस पे लगाओगे, आत्महत्या कर लिया, वो मर गया, तो किस पे लगाओगे? तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा धारा है जिसको घटित होने के बाद नहीं लगाया जाता है, बट घटित से पहले लगाया जाता है। तो घटित से पहले मतलब आपने प्रयास किया, तो आपको यहाँ पे ये धारा लग जाएगा, क्योंकि आपने प्रयास किया और आपने प्रयास करते हुए आप सफल हो गए, मर गए, तो किस पे लगेगा, नहीं लगेगा। तो घटित होने के बाद नहीं लगाया जा सकता, मतलब किस पे लगाएगा, नहीं लगेगा। घटित होने से पहले देखो, दूसरा केस में क्या था, घटित होने के बाद लगाया जाता था, लेकिन इस केस में घटित होने से पहले लगाया जाएगा, घटित होने के बाद नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, इसको भी एक चीज याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए धारा 362। 362 में क्या है, अपहरण। कैसे याद रखोगे, मेघना नाम की एक लड़की थी, उसको मैंने क्या किया, अपहरण कर लिया। बस आपका आंसर, जैसे आगे एग्जाम में कि अपहरण, अच्छा अपहरण मैंने किसको किया था, मेघना को। किसको, मेघना को। बस आपका आंसर आ गया। देखिए ध्यान से, एम का कोड होगा, ई का नहीं होगा, जी का होगा, एच का नहीं होगा, एन का होगा, ए का नहीं होगा। ठीक है, जिसका नहीं होता है, जिसका वोवेल्स होता है उसका नहीं होता। ठीक है, तो M का 3 होगा, G का 6 होगा और N का 2 होगा। तो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम में आता है, अच्छा अपहरण किस धारा में रखा गया है, तो अपहरण आपने किसको किया था, मेघना को किया था। किसको किया था, मेघना को। बस आंसर आ गया। अगला 375 में क्या रखा गया, बलात्कार या यौन उत्पीड़न। ठीक है, बलात्कार या यौन उत्पीड़न। कैसे याद रखो, देखिए ध्यान से, कि किसी भी स्त्री का बलात्कार हो जाता है या फिर यौन उत्पीड़न हो जाता है, तो वो महाकाली का रूप ले लेती है। ठीक है, क्योंकि उन लोग को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो बलात्कार होने के बाद या यौन उत्पीड़न होने के बाद उनका जो रूप होता है वो कैसा होता है, महाकाली का रूप होता है। बस आंसर आ गया। अच्छा, बलात्कार के बाद औरत का जो रूप होता है वो कैसा होता है, महाकाली का रूप ले लेती है। वो क्या करती है, महाकाली का रूप ले लेती है। बस आपका आंसर आ गया। देखिए ध्यान से, एम का कोड होगा, ए का नहीं होगा, एच का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, के का होगा, ए का नहीं होगा, एल का होगा, आई का नहीं होगा। किसका नहीं होगा, भवेल का नहीं होगा। एम का 3 होगा, के का 7 होगा, एल का 5 होगा। आंसर आ गया। बस कितना आसान था, महाकाली। बस बलात्कार होते ही या उत्पीड़न होते ही जो स्त्रियां हैं
वो महाकाली का रूप ले लेती है। कितना इंटरेस्टिंग था और आसानी से याद हो गया। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से। अगला है बलात्कार यौन उत्पीड़न के लिए दंड। इसमें क्या है? दंड। अगर आप किसी का बलात्कार करते हैं, यौन उत्पीड़न करते हैं, तो उनके लिए दंड का प्रावधान रखा गया है। कैसे याद रखोगे? जो मुकेश था ना, जो मुकेश जो दिल्ली वाला रेप केस था, वो 2013-14 में, जो शायद 13-14 या 12-13 में था, ठीक है, जो दिल्ली वाला रेप केस था, उसमें कौन शामिल था भाई साहब? मुकेश नाम का लड़का था, आपको पता है। तो मुकेश क्या किया था? बलात्कार किया था, इसीलिए उसको दंड दिया गया था। बस एग्जाम में जैसे आएगा कि बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में रखा गया, अच्छा तो बलात्कार किसने किया था? मुकेश ने किया था, इसीलिए उसको दंड दिया गया। ठीक है, तो मुकेश एम का कोड होगा, यू का नहीं होगा, के का होगा, ई का नहीं होगा, एस एच का 6 होगा। एम का दोस्तों 3 होगा, के का 7 होगा, एस एच का 6 होगा। आपका क्लियर हो गया धारा 376। क्या हो गया? धारा 376। आगे देखिए ध्यान से, अप्राकृतिक यौन संबंध या अप्राकृतिक यौन संबंध। कैसे याद रखोगे? कि अगर अप्राकृतिक यौन संबंध आपसे किया गया है, तो आप जाके पुलिस स्टेशन में बोल सकते हो। तो बोल सकते हो तो कैसे बोलोगे? मौखिक बोलोगे। कैसे बोलोगे? मुंह से बोलोगे ना, कि ये मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ। तो मौखिक आप कब बोलोगे? जब अप्राकृतिक यौन संबंध होगा तो आप उसको मौखिक बोलोगे। बस आपका आंसर आ गया मौखिक। एम का कोड होगा दोस्तों, ए का नहीं होगा, यू का नहीं होगा, के का होगा, एच का नहीं होगा, आई का नहीं होगा, के का होगा। तो दोस्तों कितना होगा? एम का 3 होगा, K का 7। और पता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा 377 को आपको ये वैलिड कर दिया गया, मतलब इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेल मेल से शादी कर सकता है, फीमेल फीमेल से शादी कर सकता है, ट्रांसजेंडर भी कर सकता है, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसको 377 को कर दिया गया। अगला देखिए 378। 378 में किया गया दोस्तों, कौन सा अपराध चोरी है? कौन सा अपराध चोरी है? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कैसे करोगे? देखिए ध्यान से कि जो मेरा माइक है, ये माइक है ना, माइक दिख रहा है, अगर मेरा माइक भी चोरी हो जाएगा तो उसको मैं क्या मानूंगा? कि अपराध है। क्या है? अपराध है, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं और वही चोरी हो जाएगा तो अपराधी का काम कर रहा है। तो डायरेक्टली अब आंसर आ गया क्या? कौन सा अपराध चोरी है? जब माइक भी चोरी हो जाता है तब वो क्या है? अपराध चोरी है। देखिए एम का कोड होगा, आई का नहीं होगा, सी का होगा, बी का होगा। एम का 3 होगा, सी का 7 होगा, बी का 8 होगा। बस आपका आंसर हो गया 378। अगला, चोरी के लिए दंड। अगर किसी को चोरी के लिए दंड देना है तो उसको क्या करो? उसको मेकअप उतरवा दो। बस आंसर आ गया। अच्छा, चोरी के लिए दंड। जैसे कभी मान लो कोई लड़की है बाजार में मेला में जाके चोरी कर ली, तो उसको दंड क्या दिया जाएगा? बोलेगा उसको मेकअप उतारो, पहले मेकअप उतारो। बस आपका आंसर आ गया। चोरी के लिए दंड क्या दिया जा रहा है? मेकअप उसको उतारने के लिए बोला जा रहा है। एम का कोड होगा, ए का नहीं होगा, के का होगा, ई का नहीं होगा, यू का नहीं होगा, पी का होगा। एम का दोस्तों 3 होगा, के का 7 होगा, पी का 9 होगा। 379 में क्या है? चोरी के लिए दंड। आगे देखिए ध्यान से 390 मेरे से नहीं बना है, आप बनाने का प्रयास करो, तब समझ में आएगा कि ये सारा चीज़ बनाने में कितना टाइम लगता है और कितना मुश्किल होता है। ठीक है, 390 के लिए आपको वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? 3 के लिए एम, 9 के लिए पी और 0 के लिए एस, मतलब एम पी एस आपको यूज करना है और एक वर्ड बनाना है जिसको आपको रिलेट करवाना है। किससे रिलेट करवाना है? इससे, लूट कब डकैती है 390 में। अच्छा, ये भी याद रखना है कि धारा 395 में इसका दंड है। कैसे याद रखोगे? कि लूट कब होती है? देखिए ध्यान से, मोबाइल आजकल लूट क्या होती है? लूट, जैसे एग्जाम में आएगा कि लूट कब डकैती होती है, उस पर उसका किस धारा में उसका दंड का प्रावधान है। कैसे याद रखोगे? कि लूट और डकैती कब होता है? आजकल के डेट में लूट और डकैती क्या करते हैं लोग? मोबाइल करते हैं। तो देखिए एम का कोड 3 होगा, बी का 9 होगा, एल का 5 होगा। एम का 3, ओ का नहीं होगा, बी का होगा, आई का नहीं होगा, एल का होगा, ई का नहीं। तो 395 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 395। अच्छा, चोरी कब लूट है, उसका दंड किस में है? 392 में। इसको कैसे याद रखोगे? चोरी, लोग आजकल चोरी या लूट कब करते हैं? एम पिन मांगते हैं। जैसे कोई कस्टमर वाला कॉल किया, सर मैं फोन पे वाला बोल रहा हूँ, आपके पास एक एम पिन गया होगा, वो दे दीजिए थोड़ा सा। बस आप लूट गए, आप क्या किए? लूट गए, चोरी भी कर लिया, लूट भी गए। तो बस आप कैसे होगा कि देखिए ध्यान से कि दंड का प्रावधान कब दिया गया? एम पिन जब आपसे ले लेगा तभी उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो एम पिन, एम का कोड होगा 3 होगा, पी का 9 होगा और एन का 2 होगा, आई का नहीं होगा क्योंकि बवेल है। तो आपका यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, 390 को खुद बनाना है और इसको रिलेट करना है। ठीक है, उससे रिलेटेड जो था दंड का प्रावधान उसको मैंने करा दिया, और ये लूट कब डकैती है उसको भी करा दिया। ठीक है, अगला 391। ठीक है, 391 क्या बोला है? अच्छा,
ये वाला था, लूट कब डकैती इसके है, ठीक है, ये आपको बनाना है, चोरी कब लूट है, ठीक है, लूट कब डकैती होती है, लूट कब डकैती होती है, आप लूटने गए और डकैती के रूप में कब उसको बोला जाएगा, जब सारा चीज आप इम्पिट्टे कर दोगे। अब मान लो लूटने गए, पूरा दुकान ही खाली कर दिए, तो उसको चोरी नहीं बोलेंगे, उसको डकैती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डकैती। तो डकैती कब होता है? जब एम्प्टी कर देते हो, मतलब पूरा खाली कर देते हो, सारा अगर सामान खाली कर दोगे, एम्प्टी कर दोगे, तो वो डकैती के रूप में हो जाएगा। तो लूट कब डकैती होता है? जब एम्प्टी कर दोगे। देखिए ध्यान से, ई का कोड नहीं होगा, एम का 3 होगा, पी का 9 होगा, टी का 1 होगा, वाई का नहीं होगा, बस आपका आंसर आ गया 391। क्या इतना छोटा सा वर्ड आपको याद नहीं रहेगा कि लूट कब चोरी डकैती होगी, लूट कब डकैती होगी? अरे भाई साहब, जब आप एम्प्टी कर दोगे, सब खाली कर दोगे, तभी तो डकैती होगा ना, जो लूट है आपकी। बस आंसर आ गया। और उसके लिए कौन सा दंड रखा गया, देखिए ध्यान से, कि लूट कब डकैती कब होगा? जब सारा आप मोबाइल चोरी करके ले आए। आज के डेट में पता है क्या, मोबाइल ही चोरी होता है ज़्यादा, कोई दुकान का शोरूम से ही मोबाइल सारा गायब कर दिए, तो आपका धारा 392 क्या है? मोबाइल, ठीक है, तो मोबाइल ही चोरी करके ले जाते हैं। अगला देखिए ध्यान से, 396 में क्या है? हत्या सहित डकैती। अब कोई डकैती जैसे मोबाइल चोरी करने के लिए गए ही गए, पता चला मालिक को ही भी मार के आ गए, हत्या करके आ गए, दो स्टाफ को भी हत्या कर दिए, तो वही बोला गया हत्या सहित डकैती। तो हत्या सहित डकैती कौन कर सकता है? जो थोड़ा मोटा हट्टा कट्ठा रहेगा, तो सांभाजी। सांभाजी आदमी है, एक तरह का समझो मोटा हट्टा कट्ठा आदमी है। कौन है? सांभाजी। और सांभाजी क्या करते हैं? सांभाजी क्या करते हैं? हत्या सहित डकैती भी करते हैं, हत्या भी करते हैं और डकैती भी करते हैं। बस कौन करते हैं? लेकिन सांभाजी। एस का कोड 0 होगा, ए का नहीं होगा, एम का होगा, बी का होगा, एच का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, जे का होगा, आई का नहीं होगा। देखिए एस का 0 होगा, तो इधर 0 भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम का 3 होगा, बी का 9 होगा और जे का 6, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 396। अगर 0 पहले भी लगा दोगे, क्योंकि एस का 0 होता है, तो भी कितना होगा? 396 ही होगा। अगला देखो, धोखीदाड़ी। देखो धोखाधड़ी कब होता है? देखो ध्यान से, धोखाधड़ी कब होता है? आप जा रहे हो ऐसा करके मोबाइल से बात करते हुए, उसके बाद पता चला उधर से बाइक वाला आया, मोबाइल छीन के भाग गया, या फिर लेडीज लोग ऐसे पर्स लेके जा रही है, ऐसे करके पर्स ही लेके भाग गया, तो वो एक तरह का धोखाधड़ी हुआ। या फिर बोल दिया क्या कि चले दीजिए आपका पर्स, मैं लेके चलूंगा, ठीक है, अपन चला भाग गया लेके, तो वो धोखाधड़ी हुआ। वो क्या हुआ? धोखाधड़ी हुआ। तो आपको कैसे पता करना है कि किस है, कि लोग धोखाधड़ी करके क्या करते हैं? रन्स, भाग जाते हैं। लोग धोखाधड़ी करके क्या करते हैं? रन्स। आपको रन नहीं करना है, रन का पचवा फॉर्म जो वर्ब में पढ़ते हो, रन्स। रन्स किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। तो जो धोखाधड़ी का काम कर रहा है वो एक ही आदमी कर रहा है, वो भाग गया, ठीक है। तो रन्स कैसे याद रखना है कि धोखाधड़ी का काम कौन करता है? रन्स। धोखाधड़ी के काम करने के बाद लोग क्या करते हैं? रन्स, मतलब भाग जाते हैं। आर का कोड होगा, यू का नहीं होगा, एन का होगा, एस का होगा। आर का दोस्तों 4 होगा, एन का 2 होगा, एस का 0। आपका क्लियर हो गया 420, क्या होगा? 420। अगला 494 में क्या है? पुनः विवाह, पति या पत्नी के जीवित होते ही क्या करना? पुनः विवाह करना। वो किस धारा में रखा गया? कैसे याद रखोगे? 494। कैसे याद रखोगे? कि लोग पुनः विवाह करते हैं राबड़ी खाने के लिए, राबड़ी। कैसे याद रखोगे? राबड़ी। या फिर पुनः विवाह करने के बाद उनको राबड़ी खिलाया जाता है, जैसे राबड़ी होता है ना, रबड़ी। तो बस आपका यहाँ से याद रखना है क्या? राबड़ी खिलाया जाता है। कब? जब पुनः विवाह करोगे तब राबड़ी खिलाया जाएगा। आर का कोड होगा, ए का नहीं होगा, बी का होगा, आर का होगा, आई का नहीं होगा। आर का दोस्तों 4 होगा, बी का 9 होगा, आर का 4 होगा। तो आपका क्लियर होगा 494। क्या हो गया? 494। अगला, दहेज का प्रतांडना, मतलब दहेज का प्रॉब्लम की वजह से क्या कर रहा, घर में लड़ाई झगड़ा वगैरह, ठीक है, या फिर उसको तंग करना, उसी को बोलते हैं दहेज प्रतांडना। कैसे याद रखोगे? कि दहेज का प्रतांडना कौन नहीं करता है? जो आरपीएफ में रहता है, वो दहेज का प्रताड़ना नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको पता है यार ये सब छोटा चीज है, दहेज के लिए क्यों तंग करना, ठीक है। तो दहेज के लिए प्रताड़ना कौन नहीं करता है? आरपीएफ वाले लोग। आरपीएफ वाले लोग क्या नहीं करता है? दहेज का प्रताड़ना नहीं करते। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था कि जब दहेज वाला प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ होगा तो पहले क्या होगा? मौत तो नहीं करता होगा, मारता तो नहीं होगा, शुरू में थोड़ा थोड़ा तंग करता होगा, फिर मारता होगा। तो इसीलिए देखिए ध्यान से, आपको पता है शादी उदी वाला क्या अंग्रेज के टाइम पे नहीं था, तो अमेंडमेंट करके आया। तो देखिए अमेंडमेंट करके आया, तो ये ए में रहेगा और ये वाला क्या था? बी में रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मृत्यु है, तो पहले लोग क्या करते हैं? प्रताड़ना करते हैं, पहले तंग करते हैं ना, इसीलिए ये ए में दिया गया है। और फिर बाद में उसको मार भी देते हैं तो वो किस में है? बी में है। किस में है? बी में है। तो ये मृत्यु वाला किस में होगा? बी में। तो आपको कन्फ्यूज नहीं रहोगे कि दहेज वाला जो पहला था तो प्रताड़ना का था, वो किस में था? ए में था, और बी में क्या था? मृत्यु वाला था। तो दोनों से कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया। आगे देखिए ध्यान से, धारा 499 जिसमें रखा गया है मानहानि। आपको बताया कि मानहानि एग्जाम में ये पूछेगा किस अध्याय में था, तो मानहानि क्या बोला था? कि मान का हानि कौन करता है, मानहानि का केस कौन आप पे लगा रही है?
अंटी लगा रही है, अंटी को डिकोड कर दीजिएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 21। 21 अध्याय में क्या था दोस्तों, 21 में मानहानि का। इसमें पढ़ेंगे कि धारा 499 में कैसे याद रखोगे कि देखिए ध्यान से कि अंटी जो थी उस अंटी के रूप पे अगर आपने कमेंट कर दिया, रूप पे उसका फेस पे या रूप पे अगर आपने कमेंट कर दिया कि अरे आंटी भद्दा दिख रही है, आंटी खराब लग रही है, तो आप पे मनहानि का केस लगाया जाएगा। बस आपका आंसर आ गया। देखिए ध्यान से कि मनहानि का केस आप पे कब लगाया जाएगा, जब आप रूप पे कमेंट करोगे, किसका, आंटी का। तो बस आंटी से अध्याय भी आ जाएगा, 21 अध्याय में है, और रूप पे किस पे कमेंट करोगे, रूप पे, तभी मनहानि का केस लग जाएगा। रूप पे देखिए ध्यान से, आर का 4 होगा, वो का नहीं होगा, पी का 9 होगा, पी का 9 होगा, ई का नहीं। तो दोस्तों आर का 4, पी का 9, पी का 9, तो क्या आंसर आ गया, 499। क्या आ गया, 499, जिसमें सजा इसके जस्ट बाद मिल जाएगा। अगर 499 में मनहानि का केस हुआ है तो 500 में क्या मिल जाएगा, 500 में क्या मिल जाएगा दोस्तों, 500 में उसका सजा है कि किस क्या क्या उसका प्रावधान होगा, सजा का। सजा का प्रावधान क्या है, 2 वर्ष का आपका जेल हो सकता है, या जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। देखिए आईपीसी में एक बात याद रखना कि जब भी वर्ष हो जुर्माना हो तो हमेशा दोनों रहता है। क्यों, क्योंकि वो केस पे डिपेंड करता है किस तरह का केस है, दोनों लगाया जाए या फिर एक सिंगल से काम बन जाएगा, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से दोस्तों इसमें हमने बहुत ज़्यादा कवर कर लिया, 25 के आसपास कवर किया, और इसके पहले जो 2 पार्ट था सिर्फ और सिर्फ आईपीसी अध्याय छोड़ के उसमें 25, लगभग हमने 50 कवर कर लिया, और ये सारे इंपॉर्टेंट थे। एग्जाम में बार बार फ्रिक्वेंटली आपको यही सब पूछा जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका नोट्स बना लेना है और इसको एक दो बार रिवीजन कर लेना, उसके बाद आपका माइंड में सेट हो जाएगा हमेशा के लिए। उसके बाद कहीं से भी आप टेस्ट पेपर लगाओगे तो आपका सारा क्वेश्चन सही होगा 100%। क्यों, क्योंकि आपको एग्जैक्ट कोड के साथ एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे। अगर दोस्तों इसी तरह आप पूरे नमोनिक से पूरे लूसेंट को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ 65 घंटों में, तो हमारे कोर्स एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, इजी ट्रिक्स के नाम पे एप्लीकेशन है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको आपका एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हो। 2 मिनट का प्रीव्यू सारे वीडियो में है, जिसमें हमने 100 वीडियो कवर किया है और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, पूरे लूसेंट को हमने कवर किया है। जिसमें एक खास बात ये भी है कि जो भी हमारा YouTube पे जो भी वीडियो है उससे वहाँ पे दूसरा टॉपिक मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, और जो वहाँ पे है वो यहाँ नहीं मिलेगा, और जो यहाँ पे है वो वहाँ नहीं मिलेगा। अगर आपको कोर्स के बारे में फुल डिटेल चाहिए तो वीडियो के लास्ट में आपको और सारे डिटेल बता दिया जाएगा। मेरे ख्याल से दोस्तों इस वीडियो के बस इतना ही करते हैं, इस वीडियो को आपने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप पूरे लूसेंट को अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको 100 वीडियो यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें सारे चीज़ को टिप्स पे याद कराने की कोशिश किया जाएगा, जिसपे विविध सेक्शन का सारा जितने भी टेबल लूसेंट में दिया गया पूरे लूसेंट को कंप्लीट यहाँ पे सारा कवर करवा दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारे टॉपिक आप पढ़ सकते हो कि किस किस टॉपिक को इसमें कवर कराया गया है, या फिर एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो, 2 मिनट का प्रीव्यू आपको सारे चीज़ में दिया गया है, सारे टॉपिक यहाँ पर कवर कर दिया गया है, जिसमें आपको टॉपिक का नाम मैं बता देता हूँ, ये सारे टॉपिक आप कवर कर दिया गया, जिसमें महत्वपूर्ण दिन दिवस है जनवरी से लेकर दिसंबर तक 150 हमने कवर किया है, उसमें प्लस एमसीक्यू भी कवर किया है, जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल दोनों है। तो सारे टॉपिक जितने भी टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है, सारे टॉपिक में आपको पॉसिबल एमसीक्यू देखने को मिलेगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सारे एमसीक्यू आपके ट्विप्स पे रहेंगे, और सारे चीज जितने भी टॉपिक आपको दिख रहा है वो आपके दिमाग पे सेट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको 65 घंटा देना है मुझे, और 65 घंटा में ये 100 वीडियो आपको कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन के साथ, एमसीक्यू के साथ, और सारे टिप्स दिमाग पे सेट हो जाएंगे, जिसमें हमने टॉपिक कवर किया है। आपको बता दे रहा हूं, महत्वपूर्ण दिन दिवस जनवरी से लेकर दिसंबर तक, भारतीय संविधान अनुच्छेद 160 हमने कवर किया है, और आपको डायरेक्टली याद करा दिया हूँ टिप्स पे 160, डायरेक्टली 160 अनुच्छेद याद करवा दिया हूँ, 250 एमसीक्यू भी उसमें कवर करवा दिया हूँ, जिसमें आगे देखने को मिलेगा पर्यटन स्थल, जिसमें स्थान, राज्य, निर्माणकर्ता, इसमें 125 जितना भी लूसेंट में दिया है सारे हमने कवर किया है, नदियों का उद्गम स्थल तथा किस राज्य से वो निकलती है तो उसमें भी 41+ था उसको कवर कराया है, कांग्रेस अधिवेशन जिसमें 57 दिया हुआ था लूसेंट में सब कराया है, जिसमें वर्ष है, स्थान है, अध्यक्ष है और विशेष क्या है, भारत के प्रमुख वन अभिजीव अभयारण्य है जिसमें नेशनल पार्क है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत के प्रमुख जनजातियां, भारत के प्रमुख दर्रे, नदियों के किनारे बसे शहर, लोकसभा राज्यसभा सीटों की संख्या, राज्यों का गठन वर्ष, प्रमुख नारे एवं वचन, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा ही टॉपिक हमने इसमें कवर किया है, आप टॉपिक को पढ़ सकते हो, देख सकते हो आसानी से। इस टॉपिक में खास बात और देखने को मिलेगा दोस्तों कि जो हमने सारे कंटेंट को लिया है वो पूरे स्ट्रिक्टली लूसेंट से लिया है, किससे, लूसेंट से लिया है, स्पीडी से लिया है और महेश बर्नवाल से लिया है।
सारे टॉपिक में दोस्तों एमसीक्यू कराया जाएगा और सारे टॉपिक को याद कराने का गारंटी लिया जाएगा। मेमोरी ट्रिक के बाद आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा और सिर्फ आपके पास 65 घंटा मुझे देना है। 65 घंटा आपके पास है, अगर आप दो के स्पीड से भी देखते हो तो आपका ये 33 घंटा हो जाएगा। कितना घंटा हो जाएगा? 33 घंटा हो जाएगा। अगर आप रिविजन करना चाहते हो और दो का स्पीड से देखना चाहते हो तो 33 घंटा में ये सारे टॉपिक्स आपका दिमाग पर सेट हो जाएगा। इस टॉपिक में खास बात सिर्फ यही है कि 65 घंटा है, मैं आप पूरे लूसेंट को कंप्लीट करोगे एमसीक्यू के साथ, रिवीजन के साथ दिमाग पे सेट हो जाएगा। दोस्तों ये सप्ली हमारा एप्लीकेशन जो इजी ट्रिक्स का है, इसी एप्लीकेशन पे आपको ये 100 वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डेड किया गया है और आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। परचेस करने के बाद आपको वहाँ पे एक्सेस कर पाओगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ प्राइस 499 है और कुछ दिन के बाद इसका प्राइस 999 हो जाएगा, 999 रुपये इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ 499 है, जिसमें इसमें हम लोग कवर करवाएंगे आपका इंडियन पॉलिटी का जो आर्टिकल है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप आर्टिकल का लेना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें 11 वीडियो होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल का होगा। अगर आप जुडिशरी का एग्जाम देना चाहते हो या फिर सिर्फ और सिर्फ चाहते हो कि इंडियन पॉलिटी का सिर्फ मुझे अनुच्छेद याद करना है, तो जिसमें आपको 11 वीडियो दिया जाएगा और सिर्फ 99 रुपये चार्ज किया जाएगा, जिसका कोर्स दूसरा है। दोस्तों 499 का कोर्स में खास बात यह है कि जो 11 वीडियो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो भी 11 वीडियो आपको इसमें मिलेगा। 499 में ये 11 वीडियो यहाँ पे दिख रहा है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ आप 99 लेना चाहते हो तो सिर्फ ये आपको मिलेगा, और इसके बाद अगर आप ये लोगे तो इसमें भी 11 वीडियो ये ऑलरेडी मिलेगा और आपको 89 वीडियोज एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्लियर है? तो आपको बस आपको सोच समझ के लेना है कि कौन सा लेना है। अगर आप ये लेते हो तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर भी ये आपको 11 वीडियो देखने को मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप 11 वीडियो चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको 160 अनुच्छेद और 250 एमसीक्यू जो कराया उसको 99 रुपये में लेना चाहते हो तो सिर्फ वो 99 रुपये में ले सकते हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ 5 घंटा में कवर कर दिया गया है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 घंटा में उसको कितना में, 65 आवर में सब कुछ मिला के, अगर ये 5 घंटा भी मिला दो तो उसी में वो कवर कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह करके आप सारे चीज़ को देख सकते हो और आसानी तरीके से कोर्स को एक्सेस कर सकते हो।